नहीं है। ये इंसानों की लिखी हुई है इमामों की लिखी हुई है जैसे कोई नहीं। मेरी नजर में मैं जो समझता कुरान के सामने अब आप आप इन दिशों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है सुन ले तो आपको सुननी पड़ेगी सबको सुननी पड़ेगी सबको सुननी पड़ेगी सीबी नहीं है ये इंसानों की लिखी हुई है ना इसको तो रिजेक्ट तो तो कर भी, तो भी नहीं है इंसानों को अपने मानने इंसानों को मानने नमाज के तरीके तक तो आपको भी माल भी पाया है जो बात नहीं मानते हक नहीं मानते बात नहीं है आपने कहा कुरान नु� पढ़ा है मैंने कहा कुरान में आज के महीने का है

मिर्जा ज़ेलमी की अकेडमी में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने खड़ा होके मिर्जा ज़ेलमी के नारे के मुताबिक के बेतः शाही कोई नहीं इसके नतीजे में मिर्जा ज़ेलमी के सामने उसने जो बातें की हैं ये मिर्जा ज़ेलमी के इसी नारे का नतीजा और रिजल्ट सामने आ रहा है कि लोग इस कदर बेबाक और जरी हो चुके हैं कि वो अदीस तैयब और अदीस की किताबों को कोई अहमियत नहीं दे रहे मिर्जा जेलमी के सामने जिस बंदे ने खड़े होकर ये बात की है उसने ये इस बात का इकरार किया है कि मैं मिर्ज़ा जैलमी को सुनता हूँ और मिर्ज़ा की वीडियोज़ को मैं देखता हूँ लोगों को कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को सुने और उसने मिर्जा के सामने इस बात का इजहार किया और ऐलान किया है कि ये जो हदीसें हैं ये तो कुरान के सामने शैक कोई नहीं है आपने इन हदीसों को कुरान के मुकाबले में या कुरान के साथ रख के ये आप शिर कर रहे हैं मिर्जा जेलमी को तोहहीद का सबक दिया है मिर्जा जैलमी के सामने इसकी अकेडमी में एक बंदे ने खड़ा होकर अब ये देख लें कि मिर्जा जेलमी जो है वो अक्सर अवत ये जुमला बोलता है ये नारा और राग अलापता है कि बब तो शाही कोई नहीं अब ये जो बबे शाही कोई नहीं ये जुमला किस लिए बोलता है ये सूफिया का अल्लाह का इनकार करने के लिए बबों के मसले पर मिर्ज़ा जैलमी ने इतने यूटर लिए हैं इतने यूटर लिए हैं एक वक्त था कि ये कहता था कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ नए को नहीं मानता दरमियानों को नहीं मानता फिर एक वक्त आया कि कहा कि मैं तीन सौ साल के अंदर अंदर जो बाबे हैं उनको मानता हूँ फिर कहता है जिन्होंने किताबें लिखी हैं मैं किताबों वाले बाबों को मानता हूँ और दूसरे बाबों को नहीं मानता फिर ये कहा कि मैं तो मेरे बाबे तो हैं सहबा इक्राम और तबइन फिर उससे आगे फिर चला गया कि मेरे जो बबे हैं वो तो अल्लाह के नबी हैं और खुलफा राशिदीन और फिर इससे आगे मिर्ज़ा जरमी ने जो आखिरी बयान दिया वो ये कि मेरा तो एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है और आज कल यही बात कर रहा है कि मैं तो सबको वहाँ ले कर जाता हूँ जिसकी कब्र मदीने में है तो बात यह है कि बाबों के बगैर मिर्ज़ा जरमी अगर ये दावा करे कि मैं दीन मुकम्मल ले लूँगा तो बाबों के बगैर हमारे पास दीन मुकम्मल नहीं रहता रसूल सल्ला वसम की तराम कदर के सहबा कराम वो उम्मत के सबसे पहले बाबे हैं नबी करीम सलाम ने अपनी उम्मत को अपने खुलफ राशिदीन और अपने सहाबा के सपर्द किया है और सही हदीस इबिन माजा में मुसदर के हाकम में और दिगर कुतब हदीस में हदीस मौजूद है सही हदीस है कि रसूल सल्हम ने फरमाया इक्तदू बिल्ला बादी मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना अबू बकर की और उमर की तो हुजूर ने अबू बकरी तुमा की पैरवी करने का हुक्म दिया यानी हज़ू ने उम्म को हुक्म दिया कि तुमने इन बाबों की इकतदा करनी है इनकी पैरवी करनी है और सुनबी दौद में सही हदीस है नबी पाक सल्हल ने फरमाया मई याश बिन कु अख्तिलाफ़न कसीरा तुम में से मेरे पास जिंदा रहेगा तो वह बहुत ज्यादा इख्त देखेगा तो ऐसी या आहाल में तुमने क्या करना है और मेरे खुलफा महदीन की सुनत लाजिम है तो नबी यह पाक असलात ने तो उमत को खलफा राशिदीन की तरफ रागब किया और कहा कि तुमने इनकी पैरवी करनी है इनके पीछे चलना है इनकी इताद करनी है तो नबी करीम असलातुल ने तो उम्मत को बाबों के हवाले किया और बताया कि तुमने बाबों की पैरवी करनी है बाबों के पीछे चलना है अगर बाबों को दीन से निकाल दें तो हमारे पास दीन बाकी नहीं रहता हदीस की कोई किताब उठा कर देख लें सही बुखारी ही की पहली हदीस उठा कर देख लें इमाम बुखारी जब भी हदीस लेके आते हैं तो बाबों से लेके आते हैं अगर बाबों का इनकार कर दें मसल इमाम बुखारी बाबे हैं उम्मत के अगर बाबों को छोड़ दें बाबों का इनकार कर दें इमाम बुखारी की शख्सियत को हम मजरूक करार दे दें और इनकार कर दें तो सही बुखारी तो गई खत्म हो गई किताब ही सिरे से जाती रहेगी फिर इमाम बुखारी ने हदीस बयान की अपने बाबे इमाम अब्दुल्ला बिन जुबैर हमैदी से और वो बयान करते हैं इमाम सबान से वो बयान करते हैं याहिया बिन सईद अल अंसारी से और वो बयान करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से और वो बयान करते हैं आगे अलकम बिन वक्ल लैसी से वो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह त से और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तरमाते हैं फिर रसूल सल्हल वसम ने फरमाया फरमायाम बिन नद अमाल का दारोमदार नीयतों पर है यानी अमाल के सवाब का दारोमदार नीयतों पर है तो अब ये जो हदीस है अमाल के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है ये हमें पहुंची है बाबों के थ्रू सईदना उमर फ़ारूक रदी फरूक रदील्लाम्मत के वो पहले बाबे जिन्होंने इस हदीस को बयान किया और उनसे फिर अलकम बिनकाबी बिन ने और उनसे आगे मोहम्मद बिन इब्राहिम ने और उनसे आगे इस हदीस को बयान किया है इमाम याहिया बिन सईद ने और उनके बाद उनसे हदीस को बयान किया सुफियान ने और उनसे बयान किया अब्दुल्ला बिन जुबैर उमैदी ने और उनसे बयान किया इमाम बुखारी रमत ने, ने तो बाबों के थ्रू यह हदीस हम तक पहुंची और जितनी अदीस है कुत्तब हदीस में वो बाबों के जरिए हम तक पहुंची है और मिर्जा क्या कहता है बाबे थे शह कोई नहीं बबे ते कोई नहीं भाई अगर बाबों का इनकार कर दिया जाए तो इसका नतीजा फिर इनकार हदीस आएगा इसका नतीजा फिर हदीस की जो सही फाहम है उसका इनकार लाजिम आएगा क्योंकि हम हमें हदीस भी बाबों के जरिए मिली है और हदीस का फाहम और हदीस की समझ भी बाबों के थ्रू हम लेते हैं मिर्जा जैलमी की समझ और फाहम को हम कबूल नहीं करते अब ये बाबों से दूर करने की जो साजिश साजिश है इसका एंड रिजल्ट और नतीजा ये है कि मिर्जा ज़िली अपनी मनमानी करना चाहता है और हदीस के अंदर अपनी फाहम को दखल देना चाहता है अपनी जो उल्टी समझ और सोच और अकल है उसके मुताबिक हदीस को एक्सप्लेन करना चाहता है जबकि हम जैसे हदीस बाबों से ले रहे हैं इसी तरीके से हदीस की फाहम और समझ भी बाबों से लेंगे जो हमारे बाबों ने यानी हमारे बुजुर्गों ने और असलाफ और मुहदसिन और फुका बयान किया और ये देख लें कि मिर्जा जिलमी के इस नारे का नतीजा क्या निकल रहा है कि मिर्जा जिलमी को सुनने वाले लोग वो मुनकर हदीस हो रहे हैं बिल्ला ताला। और यहाँ से ये बात भी वाजी होगी कि जैसे मिर्जा जिलमी ये कहता है कि ये जो इनकार हदीस हुआ है और मुनकरन हदीस पैदा हुए हैं ये ज़ईफ़ अदीस की वजह से पैदा हुए हैं ये मिर्जा जिली का दावा बिल्कुल बातिल और झूठ है बिल्कुल फ्राड है क्योंकि जितने मुनकरन हदीस हैं आप उनकी तारीख उठा कर देख लें उनकी किताबें मौजूद हैं मुनकरन हदीस की उनकी किताबें उठाकर देख लें मुनकरन हदीस जो हैं अपने दलाइल में बुखारी मसरम के हवाले पेश करते हैं बुखारी मसरम के अंदर मौजूद अदीस को अपने जेन से उसकी वजाहत करते हैं और अपनी उल्टी सोच से उनको एक्सप्लन करने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर यह है कि उसका इनकार करते हैं और बुखारी मसरम के हवाले दे के इनकारी हदीस कर रहे हैं आप डॉक्टर शबीर की किताबें उठा लें गुलाम अहमद परवेज की किताबें उठा लें आप सर सैद के नजरियात को देख लें जवेद अहमद गांधी के नजरियात को देख लें जिन लोगों ने अदीस का इनकार किया है उन लोगों ने ये नहीं कहा कि ज़ईफ़ हदीसें जो हैं इनकी वजह से हदीसें गैर मोतबर और नाकबिल एतबार करार पाती हैं बल्कि उन्होंने हदीस की जो सही किताबें हैं सही बुखारी और सही मुसलिम से ऐसी रिवायात निकाल के अपनी उस पर तबाजमई करके हदीस का इनकार करने की कोशिश की है और मिर्जा जिलनी का ये कहना कि ये ज़ईफ़ अहदीस की वजह से मुनकर हदीस पैदा हुई ये बिल्कुल मिर्ज़ा जिलमी का दावा बातिल है और फिर इस हवाले से मिर्जा जिलमी ने जो वहाँ अकेडमी में बयान दिया उस आदमी को और उसको कहा कि आप आलिम नहीं हैं तो आप स्टूडेंट स्टूडेंट बन के बात करें आप आलिम नहीं हैं और मिर्ज़ा ने उसका तसली बख्श जवाब नहीं दिया अब मिर्जा जर्मी के फॉलोअर्स और इसके चाहने वाले वो मिर्जा के अखलाके हसना की बात कर रहे हैं कि देखें जी एक बंदे ने कितनी सख्ती के साथ मिर्ज़ा साहब से सवाल किया और मिर्जा साहब ने किस तरीके से जवाब दिया और मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल जनाब कोई गुस्सा नहीं किया कोई उसका गिला नहीं किया उसकी कोई बेजती नहीं की किसी आलिम से ये सवाल किया होता तो उसकी जनाब ठीक ठाक बेजती हो जाती उस सवाल करने वाले की जबकि बहमद तला हमारे दुरूस होते हैं मेरे अपने ती जहां दर्श होते हैं बाकायदा महाना प्रोग्राम होते हैं कई मिर्जा के फॉलोर्स और नौजवान इसके चाहने वाले जो हैं वो आके खड़े होकर सवाल करते हैं हमने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की ना कभी की तोहन करने की कोशिश की है ना कभी किसी की इंसल्ट करने की कोशिश की है बल्कि बेहद तला खुशरूबी खुश उसूबी खुश उस के साथ बड़े संजीदा और शाइसकी के साथ जवाब देने की कोशिश की जाती है ताकि ये बंदा जो है ये इसको इतमान हासिल हो जाए जबकि मिर्जा के अपने बयान रिकार्डर मौजूद हैं कभी किसी को खोते कोड़े सुना रहा होता है कभी किसी को कहता है ये भौंकरे हैं कभी ये कहता है वो इसके मिर्जा के फॉलोर ने सवाल किया तो ये कहता है ठीक है आप भी लोच ताड़ लें इस तरह की जो ना वो जबान इस्तेमाल करता है जो सवाल करने वालों को और मिर्ज़ा जिलमी के जो फॉलोवर्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब तो बड़े अखलाके हसना के मालिक है जनाब वो तो साइल को इस आसर अंदाज़ में जवाब देते हैं किलमा तो इस तरह जवाब ही नहीं दे सकते